आज का एपिसोड जो है काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है एंड उसके बाद यह मेरा पहला ब्लॉग होगा। इसका नाम पीके रखा गया, पीके मूवी से पहले ही इसका नाम हमने पीके रख दिया था। इसके बाद मूवी आया। एक कहावत है, जात ना पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सो मंदिर के लिए काफी क्राउड है, अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अंदर जाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बंजारा गाय। और आज का एपिसोड जो है काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है एंड उसके बाद यह मेरा पहला ब्लॉग होगा। और हम लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, साथ में है पीके एंड फैमिली और मेरा नया फ्रेंड कानपुर से। हेलो बोलो। हेलो भाभी। हाँ, सो आज छुट्टी है तो हम लोग थोड़ा सा आउटिंग करने जा रहे हैं और इट्स ए लॉन्ग ड्राइव, अराउंड 180 किलोमीटर्स का ट्रिप होगा वन साइड। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे पुष्कर, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आना सागर जाए और वहाँ पे थोड़ा सा बोटिंग वोटिंग करें। उसके बाद लौटते समय अगर हम लोग के पास टाइम रह गया तो हम लोग करेंगे एक्सप्लोर करेंगे किशनगढ़ में, जहाँ पे आपका डंपिंग यार्ड है। सो अभी हम लोग दिल्ली अजमेर हाईवे पे हैं और हमें लगेगा करीबन 2 से 2.5 घंटे पहुंचने में, उसके बीच में हमें ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। और पीके कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हम दोनों का साथ में कितना नंबर का ब्लॉग है, चाहे चौथा पांचवा ब्लॉग होगा। भाभी आपके साथ ये दूसरा है? दूसरा। और भाई के साथ पहला? पहला। हाँ, सब भाई जो आया है कानपुर से जयपुर घूमने के लिए। और आपको जयपुर घूम के कैसा लग रहा है? एकदम मस्त मजा आ रहा है, बढ़िया। सब भैया की जो बातें जो है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक कानपुरिया लैंग्वेज है, सो आपको मतलब समझ में आ जाएगा इफ यू लिसन केयरफुली। बट बाकी मस्त कूल बंदा है, एकदम मस्त है। बाहर तो है काफ़ी धूप है और हमने फुल एसी चला के जा रहा हूँ, बट फिर भी आई कैन फील द हीट। तो बाहर क्या कैसा गर्मी हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए कुछ स्नैक्स उठाने के लिए, क्योंकि रास्ते में कुछ खाने के लिए हमें चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट जो है हम गाड़ी पे कर लेंगे, जो हमने पराठा और पोहा बना के लेके आया था, तो यहाँ से हम लोग कुछ पीने के लिए कुछ ले रहे हैं। राजस्थान का एक स्पेशल चीज़ है जो है ये खटिया। तो ये खटिया जो है रस्सी से बनाया हुआ है, तो इसमें लेटने का काफ़ी आरामदायक होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको गद्दा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जिसका मतलब कमर दर्द वगैरह होते हैं, जिसको आराम करना होता है, तो दे कैन रेस्ट शेयर विद कहीं पर भी जाके, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। और मैं भी अक्सर क्या करता हूँ, ट्रक वाला ढाबे पर जब भी मैं रुकता हूँ तो ऐसे वाले खटिया पर ही मैं रेस्ट कर लेता हूँ। साथ में गाना भी चल रहा है और आज हम लोग का डीजे मैन है सरवैया। सब पुराने गाने चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के भी, क्योंकि 2.5-3 घंटे की रास्ता है, तो गाना नहीं सुनेंगे तो करेंगे क्या। क्यों भैया, सही बोला, मज़ा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। इसका नाम पीके रखा गया, पीके मूवी से पहले ही इसका नाम हमने पीके रख दिया था, इसके बाद मूवी आया। वो भी नहीं मानता। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पुष्कर, अभी हमने गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ब्रह्मा मंदिर पे और वहाँ पे दर्शन होने के बाद हम थोड़ा सा मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करेंगे।
सो लेट्स एक्सप्लोर पुष्कर वंस अगेन। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग ने गाड़ी को पार्क किया। पार्क करने के बाद हम लोग अभी पैदल चल रहे हैं ब्रह्मा मंदिर के लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ पे लोग आते जाते मतलब आ ही रहे मंदिर पे और जा भी रहे। तो ये झलक है, वाह कलरफुल पुष्कर। तो सोनू भैया कैसे लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त पुष्कर। पहली बार पुष्कर बहुत अच्छा है। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं अपने भाई ऋतुराज के साथ। दर्शन कराएगा मेरा भाई हमको। फर्स्ट टाइम है हमारा, फर्स्ट टाइम ब्लॉग हमारे भाई के साथ में। और हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, अपना कानपुर में आऊँगा तो रिक्वेस्ट है सबको सब्सक्राइब करो मेरे भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। बंजारा गाइस, बंजारा गाइस, यस। सो आज हम लोग आए हैं ब्रह्मा मंदिर में। और ये ब्रह्मा मंदिर का एक खासियत है कि पूरे दुनिया में एक ही मंदिर है, ब्रह्मा का एक ही मंदिर है और ये पुष्कर में है। मंदिर ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, कुछ नहीं। मैं कपूर जल है, जल के लिए दुनिया। तो अभी इन लोग का कहना है कि सबसे पहले सरोवर में जाके आपको घाट पे जाना होगा, घाट पे जाने के बाद ही आप मंदिर पे जाओगे। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। हाँ बढ़िया बात है। हाँ हाँ, पहले वहाँ दर्शन कर लो। वाओ काफ़ी सुंदर है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई ले, हाँ ले जाएंगे। हाँ आपकी मोटे आपकी। तो ये है पुष्कर के मार्केट। वाह और कलरफुल कलरफुल है पूरा। क्या सारी है इसको, क्या बोलते हैं उसको, सही तो है। सो मार्केट जो है काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पे अगरबत्ती है, वाह ये अगरबत्ती है। वाह कलरफुल बैंगल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम लोग ने पुष्कर घाट पे आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो घाट पे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, यहाँ से व्यू देख लेते हैं कैसा व्यू है। तो अगर आप नज़ारा देखोगे तो ये घाट का नज़ारा है। ये है पुष्कर नगरी। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो चारों तरफ, देखो कितना शांति है। एक बार आओ, एक बार फील करें, देखो कितना पीसफुल फील होगा आपको। एक बार आओ ज़रूर एक बार। थोड़ा देर के लिए अभी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर से चलेंगे। अभी अभी यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, अगर आप देखोगे तो सारी तरफ आपको घाट ही घाट दिखाई देगा। तो ये जो लेक का सराउंडिंग है, यहाँ पर सारा आपको घाट दिखाई देगा। और ये स्ट्रेट वाला पे वो रिजॉर्ट है, बाकी सब घाट है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, दूसरे घाट पे चलते हैं और दूसरे घाट पे क्या है ये चीज़ हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो आज भाई को हम पूरा दर्शन कराएंगे पुष्कर, पुष्कर पूरा भाई के साथ घूमेंगे अपने। अभी हाँ ब्रह्मा टेम्पल 3 बजे खोलेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी भी हाफ एन आवर का टाइम बचा हुआ है। ये है गऊ घाट। तो लोग यहाँ पर नहा रहे हैं और काफ़ी लोग कुछ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। एक कहावत है, जात ना पूछो साधु से, पूछ लीजिए पूछ लीजिए ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ ठीक है, थैंक यू। सो ये सही कहावत है, जात ना पूछो पंडित से, नहीं जात ना पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। अच्छा जात ना पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, क्या बात। सो आज पुष्कर में आके ये चीज़ें सीखने को मिल गया, क्या बात है। ये मोहरा है, हाँ यस, इसी में सब विलीन हो जाता है। हाँ प्रभु की भक्ति में बिल्कुल। तो उसके पास ज्ञान का भंडार होता है, जात से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, क्या बात।
इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अजमेर में जाएंगे, अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे, अजमेर अन्ना सागर लेक पे जाएंगे। अन्ना सागर लेक पे चढ़ना, अन्ना सागर लेक बचा हुआ है, सावित्री टेम्पल ऊपर चढ़ना है, देखते क्या होता है, रास्ते में पड़ता है। दिस लुक्स क्वाइट समथिंग डिफरेंट, होटल भारतपुर पैलेस। दिस इज़ अ होली प्लेस और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और यहाँ पे नहाने से पाप जो है मुक्त हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे नहाने आते हैं। सो अभी चलते हैं हम लोग ब्रह्मा मंदिर के तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्नान करना होता है, उसके बाद आपको ब्रह्मा मंदिर पे जाना होता है। हाँ, सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मा मंदिर पे फाइनली। हाँ चलो, प्रसाद ले लिया। यहाँ पे आके सस्ता मिल जाता, वहाँ कॉस्टली मिलेगा, महंगा यू जी 10 का मिलेगा, वहाँ 100 रुपये मिलेगा। बिल्कुल, तो हाँ ये स्वीट्स यहाँ का राजस्थान का हुआ। वाइफ के लिए अभी मैं दुपट्टा लिया है, अभी अच्छा खासा कलरफुल दुपट्टा लिया। तो अभी मैं कुछ चप्पल देख रहा हूँ, चप्पल कुछ पसंद आता है क्या मुझे। सो मंदिर के लिए काफ़ी क्राउड है, अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अंदर जाने के लिए। सो अगर आप देखोगे तो क्राउड्स को बहुत सारा ज़्यादा है क्राउड से आज, क्योंकि अभी 3 बजे मंदिर खुल गया तो इसलिए क्राउड ज़्यादा है। तो अभी हम लोग शूज़ रख के अंदर एंट्री करने का कोशिश करते हैं। सो रास्ता जो है काफ़ी क्राउडेड है। तो हाँ, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की जय। सो अभी हम लोग ने ब्रह्मा टेम्पल दर्शन करके आ गया। अंडर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमने कोई वीडियो ले नहीं पाया। तो अभी हम लोग बाहर आ गया, अभी शूज़ कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हमें ड्रोन भी अंदर ले जाने नहीं दिया, सो मैंने उसको लॉकर रूम में रख दिया था। तो अभी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, शूज़ पिक करके अभी चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं अभी, यहाँ कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी अन्ना सागर बोटिंग के लिए ओके। अभी हम लोग अन्ना सागर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं, थोड़ा एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि हमें मॉर्निंग से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हाँ, मॉर्निंग से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठंडा पिलाना भैया, ठंडा, एकदम ठंडा। चीयर्स। सो फाइनली गन्ने का जूस आ गया, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। भैया थोड़ा सा बर्फ डालो ना। सो फाइनली पुष्कर हम लोग वाइन अप कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अभी गाड़ी की तरफ जा रहा है और काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया। और ब्रह्मा मंदिर का जो हमें शॉर्ट्स लेना था उसका तो शॉर्ट्स हमें मिला नहीं, बिकॉज वहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। अन्ना सागर जाएंगे बिकॉज उसका नाइट व्यू भी अच्छा होता है, तो उसी को हम इंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर बोटिंग वगैरह करेंगे। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। यह है अन्ना सागर लेक। वाओ, तो धीरे धीरे लाइट जलना स्टार्ट हो गया। ओ, यू विल जस्ट लव इट। और यहाँ पे 7 वंडर्स जो है यहाँ पे बना हुआ है, तो